बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली भले ही बॉलीवुड में अपना भविष्य बनाने का सपना देख रहे हों, लेकिन उनका अतीत उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल उनकी प्रेमिका रही जिया खान की मृत्यु का मामला फिर से तूल पकड़ता दिख रहा है। ताज़ा खबरों के मुताबिक सूरज पंचोली पर मुंबई की एक अदालत ने जिया खान को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आरोप तय किए हैं। जाने माने कलाकार आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली पर न्यायाधीश केडी शेर भाटे ने धारा 306 के तहत आरोप तय किए हैं। हालांकि सूरज पंचोली ने अपने आप को इस मामले में निर्दोष बताया है। वहीं आने वाली 14 फरवरी को कोर्ट गवाहों का परीक्षण करेगा। जो आरोप पत्र सूरज पंचोली के खिलाफ दायर किया गया है उसके मुताबिक अदाकारा जिया खान 3 जून 2013 को अपने घर में मृत मिली थी। इस पूरे मामले में सीबीआई ने बताया, कलाकार सूरज पंचोली ने पूछताछ के दौरान कई बातें छुपाई और अपने हिसाब से तथ्यों की जानकारी दी। जब सूरज से पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए कहा गया तो उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया। इस पूरे मामले में सूरज की भूमिका की सच्चाई जानने के लिए एजेंसी यह जांच करवाना चाहती थी। आपको बता दें कि जिया खान की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने खुदकुशी का मामला दर्ज किया था, लेकिन जिया की मां ने सूरज पंचोली पर उनकी बेटी को मौत के लिए उकसाने का आरोप लगाया और मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए गए।